मधुबनी जिले के दुर्गापट्टी गांव के वार्ड संख्या 15 में आंगनबाड़ी सेविका बहाली के दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि आम सभा के अध्यक्ष दूसरे वार्ड के निवासी को सेविका के रूप में चयनित कर रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाई। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के सिसौनी पंचायत में नल जल योजना अनियमितता की भेंट चढ़ गई है। इस वजह से यहां के लोग काफी आक्रोशित हैं। योजना में भ्रष्टाचार के कारण यहां के निवासियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे गंभीर बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। मोकामा प्रखंड के सुल्तानपुर गांव में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में अचानक आग लग जाने पर लोगों की सुरक्षात्मक कदम उठाने की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि आग लगी की घटना में किसी व्यक्ति के जख्मी होने की हालात में प्राथमिक उपचार की भी जानकारी दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में IOC के तमाम बड़े अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी समेत ग्रामीण मौजूद रहे। कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र में विवादित किताब बेचते हुए 11 लोग पकड़े गए। हिंदूवादी संस्था के लोगों ने मंदिर परिसर में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ी इन किताबों के साथ प्रचार कर रहे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरायकेला खरसावा जिले में प्रशासन ने सघन वाहन और मास्क चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। सर, कोरोना बीमारी का बढ़ते हुए देखते हुए मास्क चेकिंग किया जा रहा है, साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है तो उसी को देखते हुए गाड़ी वगैरह का चेकिंग किया जा रहा है। सर, इसमें सिर्फ मास्क का ही चेकिंग हो रहा है कि और कुछ? मास्क का भी चेकिंग हो रहा है, साथ ही गाड़ी वगैरह का भी चेकिंग। और होली के पहले पटना वासियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। पटना के आर ब्लॉक गोलंबर से GPO गोलंबर को जोड़ने वाला फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका 25 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। इस फ्लाईओवर के बनने से GPO गोलंबर पर जाम की समस्या से निजात मिलेगी। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।